अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hey guys, The Ultimate Channel में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों हमारे डॉग्स के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है और क्यों हमें अपने डॉग को वैक्सीनेशन जरूर लगवाने चाहिए। दोस्तों, जब भी हम कोई नया पपी लेते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे टाइम टू टाइम वैक्सीनेशंस लगवाएं, जो उसको तो प्रोटेक्ट करेगा ही और हमें भी करेगा। बहुत से लोग हमें ये मैसेज करके पूछते हैं कि सर, मेरा डॉग सूखता जा रहा है, मेरा डॉग कुछ खा नहीं रहा, मेरा डॉग को बहुत ज्यादा पॉटी हो रही है, तो इसके लिए क्या करे। उनसे मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि क्या उनके डॉग को वैक्सीनेशंस लगे हुए हैं, और उनमें से बहुत से लोग कहते हैं कि जी नहीं, हमारे डॉग को वैक्सीनेशंस नहीं लगे हुए। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने अपने पपी को वैक्सीनेशन नहीं लगवाया हुआ, खासकर कि वो लोग जो कि गांव या फिर छोटे शहरों में रहते हैं, जो लोग अपने डॉग का ज्यादा खर्चा नहीं उठा सकते, वो ज्यादातर अपने डॉग को वैक्सीनेशंस नहीं लगवाते, तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके डॉग को जानलेवा कोई बीमारी हो जाए। ऐसे बहुत से वायरसेस होते हैं, जैसे कि पार्वो वायरस, कोरोना वायरस और डिस्टेंपर वायरस वगैरह जैसी चीजें, जो हमारे डॉग्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है और कभी कभार तो उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन अगर आपके डॉग को पार्वो वायरस हुआ है और उसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो ये हो सकता है कि उसकी जान चली जाए। डॉग्स को DHPPI, यानी कि वो जो 7-in-1 या फिर 9-in-1 वैक्सीन होते हैं, उनको DHPPI कहा जाता है। उसके साथ डॉग्स को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी लगवाने जरूरी है, जो कि एक तरीके से हमारे लिए ही प्रोटेक्शन है। कभी कभार ऐसा होता है कि पपी जब खेलता है तो कभी कभार पपी बाइटिंग में उसके दांत लग जाते हैं, या फिर जब हम उसके मुंह से हाथ खींच के निकालते हैं तो हमारा वो हाथ हल्का सा कट जाता है और ब्लड निकलने लग जाता है। और अगर उसको एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगा हुआ, तो ये शायद आपके लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। कई डॉग जिनको वैक्सीन नहीं लगे हुए होते, उनके साथ ऐसा होता है कि वो खाते तो बहुत है लेकिन उनकी बॉडी को कुछ नहीं लगता, वो फिर भी बहुत ही स्किनी रहते हैं, यानी कि पतले रहते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। दोस्तों, जब भी हम कोई डॉग या फिर पपी लेते हैं तो वो हमारे बच्चे की तरह होता है, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उस बच्चे का ख्याल रखें और उसको वो सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें जो उसे चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको वैक्सीनेशन लगवाने जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में उसको किसी पार्वो वायरस या फिर कोरोना वायरस या फिर डिस्टेंपर वायरस जैसी खतरनाक बीमारियों से उसकी जान चली जाए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने डॉग या फिर पपी को वैक्सीनेशन जरूर लगवाएंगे। तो दोस्तों, और डॉग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस पता चले। और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।